मंदसौर जिले के पशुपतिनाथ की धारा से अपना सफर की शुरुआत मध्य प्रदेश के छोटे से गांव सुसनेर जिला आगर मालवा के साधारण परिवार में जन्मी पढ़ी और बढ़ी ऐसी होनहार फेमस टीवी सीरियल की मशहूर कलाकार स्नेहा भावसार शामगढ़ में अपने मामा गिरधारी लाल भावसार के यहां पहुंची, जहां पर मीडिया से मुलाकात की। स्नेहा भावसार ने बताया कि वह स्टार प्लस में ये रिश्ता क्या कहलाता है, गुम हो किसी के प्यार में जैसे सीरियल में करिश्मा का रोल कर रही हैं, उनका ये इनका फेवरेट रोल है। तो वहीं कई विज्ञापनों में आ रही हैं। इस सफर की कामयाबी में उन्होंने कहा कि माता पिता को अहम मानते हुए महिला दिवस के लिए कहा कि देश को आगे बढ़ाने में महिलाओं का बड़ा योगदान है। आज महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ हैं। माता पिता उनका साथ दें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, उनका साथ एवं सहयोग करें। मंदसौर से विजय रेटोदिया की रिपोर्ट। तुम्हारी इतनी खुशी के पीछे वजह काकू के तानों से छुटकारा जो मिल गया है मुझे। मतलब ये कि अब काकू के निशाने पर मैं नहीं बल्कि सही होगी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अब विराट दादा और पत्रलेखा भाभी के बीच में क्या होगा। मेरी सफर की शुरुआत जब मैं 16 साल की थी, तब मैंने ऑडिशन दिया था और 17 साल में मैं मुंबई पहुंच गई थी पापा के साथ। ऑडिशन कहाँ पर दिया था आपने? मंदसौर में एक ऑडिशन हुआ था, बट वहाँ से उन्होंने हमें मोटिवेट किया था मुंबई जाने के लिए कि काम आपको मुंबई से ही मिलेगा, तो हमने फिर मुंबई जाकर ऑडिशन दिया। उसके पश्चात आपने क्या क्या करा और किस किस सीरियल में गए हैं और किन किन का योगदान रहा आपके परिवार में? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अभी मेरा सीरियल चल रहा है गुम है किसी के प्यार में हाल फिलहाल में, जिसमें मैं करिश्मा का रोल कर रही हूँ, जो कि स्टार प्लस पर रात 8 बजे आता है। और इसके पहले मेरा पहला सीरियल था ये रिश्ता क्या कहलाता है। उसके बाद मैंने सीरियल राधा कृष्ण में भी काम किया है और सीरियल जात ना पूछो प्रेम की NTV का शो था उसमें भी काम किया है, और इश्कबाज जो कि स्टार प्लस पर आता है उसमें मैंने ट्विंकल का रोल किया है। इसके अलावा कई सारे TVC एड में कर चुकी हूँ, जैसे बॉन्ड्स ऑयल कंट्रोल फेस वॉश का एड मैंने अलाया फर्नीचर वाला के साथ किया है, और हीरो इलेक्ट्रोसाइकिल का एड किया है। इसके अलावा HDFC बैंक का एड भी मैंने किया है। इस पेपर में जाने के लिए आप किस किस का योगदान मांगते हैं परिवार में? सबसे बड़ा योगदान मेरे पापा और मेरी मम्मी का है, क्योंकि अगर ये दो लोग ही आपके साथ हैं तो ये दो लोग ही आपकी पूरी दुनिया है। अगर ये दो लोग आपके साथ हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ है। जब हर माता पिता को खुशी जब ही होती है जब उसकी संतान उससे आगे निकले, अगर उसकी संतान उससे ज़्यादा नाम करती है तभी उसको फख्र फील और अपना आप को गौरवान्वित महसूस होते हैं। लेकिन मैं माता पिता से यही कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में बेटियाँ भी बेटों से कम नहीं हैं, आप बेटियों को पूरी शिक्षा दें। और मैं तो इसको एक कदम आगे जाके ये कहना चाहूँगा कि जब आप लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी की उम्र की बाध्यता रखते हैं तो उसको 25 साल से पहले कोई चुनाव नहीं लड़ने देते हैं। पार्षद या सरपंच का चुनाव कोई लड़ता है तो 21 साल की बाध्यता रखते हैं। शादी के लिए 18 साल की बाध्यता क्यों? 18 साल में गांव की बेटियां 12वीं भी पास नहीं कर पाती है। अगर उनकी ग्रेजुएशन पूरी होगी तो वो अपने पैरों पर खड़ी रहेगी, ससुराल में कोई उनको प्रॉब्लम हुई तो वो अपना खुद का जीवन अपने बच्चों का जीवन अपने कदमों पर खड़े होकर पूरा कर सकती है।